हेलो एवरीवन। सो यार, पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक कंप्लीट किया था, उससे आगे हम बढ़ने वाले हैं। थर्ड जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है, ये होने वाला है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो चलो यार, स्टार्ट करते हैं अब। अब हम देखने वाले हैं ये चीज, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फेब्रवरी 1992 में क्या हुआ, महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ करने का डिसाइड किया। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसका ये रीजन दिया कि उनको जो मूवमेंट था वो थोड़ा वायलेंट हो चुका था कुछ जगहों पर, जैसा हमने पहले थोड़ा देखा भी था। और जो सत्याग्रही लोग थे, जो सत्याग्रह का वो मूवमेंट कर रहे थे, उनको थोड़ा प्रॉपरली ट्रेन करने की एक नीड फील हुई गांधी जी को। उनको ये एक एहसास हुआ कि अब भी मास स्ट्रगल के लिए लोग रेडी नहीं है उस तरह से कि वो पीसफुली अच्छे से कर पाए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। इसलिए गांधी जी ने उसको कॉल बैक कर लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। नेक्स्ट है, विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। क्या हुआ, कांग्रेस जो था उसमें, कांग्रेस में अंदर ही अंदर सब लीडर्स, कुछ लीडर्स ये चाहते थे कि अब वो इलेक्शंस जो करा रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे और एक रिफॉर्म करके और रूल के फॉलो करके वो अपोज करेंगे ब्रिटिशिस को। वही लिखा आगे, दे फेल दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। तो यही कहना चाहते कि वो चाहते थे कि हम अंदर से रिफॉर्म लाएंगे और डिमांड करेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज से कि ये काउंसिल सही नहीं है। मतलब एक तरह से वो ब्रिटिश की ही बात में आकर इलेक्शन लड़ने लग गए थे। वो सोच रहे थे कि अंदर से ये चीज हो सकती है, हम रिफॉर्म अंदर से भी ला सकते हैं पार्टी के अंदर से ही बातचीत कर, लेकिन वो काम तो नहीं करने वाला था। साथ में जो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर ही, जिससे वो काउंसिल पॉलिटिक्स का रिटर्न ला सके अच्छे से। लेकिन जो यंगर लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने वायलेंट वे को अपनाना ज्यादा जरूरी समझा कि हमें एक पूरा मास स्केल पे मूवमेंट करना चाहिए इंडिपेंडेंस के लिए, फुल इंडिपेंडेंस के लिए, जिससे सच में एक इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये ब्रिटिश बातों से सिंपली नहीं सुनने वाले। तो वो एक मास एजिटेशन करना चाहते थे, एक मास अपील करना चाहते थे, एक तरह से उन्हें दिखाना चाहते थे ब्रिटिशिस को। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशंस टू फैक्टर अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s। सो ऐसी सिचुएशन में इंटरनल डिबेट जो था उसने और बाकी बातचीत ने, बाकी चीजों ने दो फैक्टर्स को बना दिए जिन्होंने शेप किया आगे की पॉलिटिक्स को, इंडियन पॉलिटिक्स की लेट 1920s की पॉलिटिक्स को। द फर्स्ट वॉज द, जो पहला जो फैक्टर था वो यही था कि वर्ल्ड वाइड इफेक्ट था इकोनॉमिक डिप्रेशन का, कि उस टाइम पे एक थोड़ा सा इकोनॉमिक डिप्रेशन आ चुका था। एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके थे 1926 से, वही बात करें लेट 1920s यानी 1926, और 1930 के बाद पूरी तरह से कोलैप्स हो चुके थे प्राइसेस। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल फूड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट्स एंड पे देयर रिवेन्यू। सो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही थी एग्रीकल्चरल गुड्स की, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो चुके थे, बहुत ज्यादा एक मंदी का दौर चल रहा था, पीजेंट्स को डिफिकल्ट हो रहा था अपनी हार्वेस्ट को सेल करना और रिवेन्यू को फिर पे करना उससे। सो 1930 तक कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल, यानी जो कंट्री साइड गाँव का जो पूरा एरिया था वो पूरा बुरी तरह तबाह सा हो चुका था। ओके, अगेंस्ट द बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एक टोरी गवर्नमेंट हुई, टोरी वहां के लीडर रहे होंगे, तो उसका नाम दिया गया टोरी गवर्नमेंट ब्रिटेन में। उन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया सर जॉन साइमन के अंडर में, यानी एक तत्कालीन एक कमीशन बनाया गया इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो ये जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे उनके रिस्पॉन्स में
एक कमीशन बनाया गया जिससे इन पर कंट्रोल लाया जा सके। जो कमीशन था एक्चुअल में इसको साइमन कमीशन बोलते हैं। सो उसका मेन काम यही था, वॉज लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, कि वो जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम चल रहा है उसका वो कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, किस तरह चल रहा है, उसकी जांच पड़ताल, उसकी देख रेख करना भी उसका मेन काम था। लेकिन जो प्रॉब्लम थी कमीशन के साथ, उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था जो इस बात का इंश्योर करे कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है और एक प्रॉपर लॉ बेस्ड है। सो सब ब्रिटिश लोग थे, तो ये चीज अब लोगों को हमारे यहाँ पसंद नहीं आई। इसी को देखते हुए व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साइमन कमीशन इंडिया में अराइव कब हुआ। साथ में अभी देखते हैं, ओके, सो साइमन कमीशन इंडिया में अराइव हुआ 1928 में। अब जैसे साइमन कमीशन आया तो सबने गो बैक साइमन का नारा लगाया, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। सो गो बैक साइमन के नारे को वापस भेजना चाहा। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन, तो मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया इसके डेमोन्स्ट्रेशन में गो बैक साइमन के लिए। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर द वायसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929 अ वैग ऑफर, क्या हुआ जिससे कि ब्रिटिशर जीतना चाहते थे इंडियन लोगों को, उनके भावनाओं को, तो उनको जीतने के लिए उन्होंने क्या किया, लॉर्ड इरविन जो थे उन्होंने अक्टूबर में 1929 में एक ऑफर अनाउंस किया इंडियंस के लिए ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने ऑफर किया कि हम आपको एक डोमिनियन स्टेटस देंगे, इंपॉर्टेंट स्टेटस देंगे, आप कभी एक डोमिनेटिंग पूरी पावर होगी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के। साथ में उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव रखा कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे जिससे हम फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, तो इस बात से कांग्रेस लीडर तो खुश नहीं हुए। जो रेडिकल्स थे, जो थोड़े उपद्रवी थे कांग्रेस में, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उनको लेड करते थे, बिकेम मोर एजर्टिव, वो और ज्यादा इस बात से क्लियर हो गई कि ब्रिटिशर सिर्फ हमारे साथ थोड़ा टाइम पास सा कर रहे हैं इस टाइप से। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु आर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। सो जो लिबरल्स और मॉडरेट्स लोग थे उनका इन्फ्लुएंस चला गया क्योंकि ब्रिटिश ने अच्छा ऑफर दिया, और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जो उनके ऑफर को कंसिडर करने में थोड़े पॉजिटिव साइड दिखाई उन्होंने। और दिसंबर में 1929 में क्या हुआ, ऑफर दिया था उन्होंने अक्टूबर में, फिर दिसंबर में सेम ईयर के अंदर अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। लाहौर कांग्रेस जो थी उसने लाहौर सेशन जो था कांग्रेस का उसमें पूर्ण स्वराज की बात रखी गई या और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इट वॉज डिक्लेयर्ड एट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे, तो 26 जनवरी 1930 को एक इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए डिक्लेयर किया गया कि हम करेंगे। व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो उस दिन ये प्लेज लेनी थी कि हम सब कंप्लीट इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल करेंगे और उस दिन इंडिपेंडेंस डे बनाया करेंगे 26 जनवरी को 1930 को। बट द सेलिब्रेशंस फॉर अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, तो इस तरह की सेलिब्रेशन ने बहुत कम अटेंशन अट्रैक्ट करी, ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ, तो महात्मा गांधी ने क्या सोचा, उनको लगा कि ये जो फ्रीडम का आइडिया है हम दे रहे हैं लोगों को, हमको उसको जो डेली लाइफ के हमारे इश्यूज हैं उन पर ज्यादा उसको उससे भी उनसे भी थोड़ा ज्यादा दिखाना होगा, थोड़ा लोगों को समझाना होगा फ्रीडम की इम्पोर्टेंस क्या है। सो उनको एक रिलेट करने के लिए कुछ चाहिए था, को कैसे रिलेट करें लोगों को इस मूवमेंट से और कैसे अपने साथ जोड़ें। सो अब देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये काफी, द सोल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो महात्मा गांधी ने सोल्ट देखा उन्होंने कि जो नमक होता है वो एक पावरफुल सिंबल है जिससे लोग यूनाइट हो सकते हैं पूरे नेशन के, और उन्होंने 31 जनवरी 1930 को उन्होंने लेटर भेजा इरविन
जो थे वाइसरॉय इरविन को, उन्होंने 11 डिमांड्स रखी गांधी जी ने। सम ऑफ दीज वार ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कुछ जनरल इंटरेस्ट की डिमांड्स थी, कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी डिफरेंट क्लासेस की, फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स। स्पेशल क्लासेस थी, मतलब स्पेशल मतलब स्पेसिफिक डिमांड्स थी अलग अलग क्लासेस की। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग, तो उनका यही आइडिया था गांधी जी का, हम वाइड रेंज में लोगों को कवर करें, हर टाइप के ग्रुप को कवर करें और डिमांड्स करें उनसे, सो डैट ऑल क्लासेज विद इन द सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद दैम। सो मतलब सब लोग मिलजुल कर एक साथ कहीं ना कहीं एक कॉमन कोर्स के ऊपर ध्यान रख सके और यूनाइट हो सके साथ में, एंड एवरी वन कुड बी ब्रॉट टूगेदर इन अ यूनाइटेड कैंपेन, और साथ में सब एक यूनाइटेड एक साथ आ सके ताकि किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के साथ वो थोड़ा जुड़ाव महसूस कर सकें। इसमें उन सबकी प्रॉब्लम्स को कंसिडर किया गया, टोटल 11 डिमांड्स थी उसमें। द मोस्ट स्टिरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट एक्ट, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट डिमांड थी, जो सबसे ज्यादा सामने भी निकल कर आ रही थी, वो यही थी कि सॉल्ट पे जो टैक्स लगता है उसको खत्म कर दिया जाए। तो ये थोड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए सॉल्ट मार्च आगे बना। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक, सही बात है। सॉल्ट एक ऐसी चीज है, यानी कि नमक एक ऐसी चीज है, या शुगर भी कह सकते हैं, वो ऐसी चीज है जो सब लोग कंज्यूम करते हैं इसमें, तो इसका अगर एबोल्यूशन होता तो सभी को फायदा होगा, सबको थोड़ा कम पे करना होगा उसके लिए। सो एक कॉमन प्रॉब्लम इस तरह से बन के आई, एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फूड आइटम्स ऑफ फूड, और यही बात सच है, ये थोड़ा एसेंशियल फूड आइटम्स है। सो सॉल्ट एक काफी एसेंशियल फूड आइटम था, जो टैक्स था सॉल्ट पर और गवर्नमेंट की जो उसके ऊपर मोनोपोली थी प्रोडक्शन की, सिर्फ गवर्नमेंट ही टैक्स सॉल्ट को प्रोड्यूस करेगी और वो फिर उस पर टैक्स लगाएगी, तो इसको महात्मा गांधी ने तोड़ने का सोचा। तो उन्होंने डिक्लेयर किया किस तरह से गवर्नमेंट पूरी मोनोपोली की हुई है, उन्होंने लोगों को बताया, और हम उसको प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, इस तरह से लॉ बनाया हुआ है। तो गांधी ने इस लॉ को ही तोड़ा था बाद में, यानी 12 मार्च 1932 6 अप्रैल 1930 तक ये सॉल्ट मार्च चला था, ये इसकी डेट है, टाइमलाइन है। महात्मा गांधी का जो लेटर था वो एक अल्टीमेटम के तौर पे देखा गया, उन्होंने एक अल्टीमेटम के तौर पे उन्हें भेज दिया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, यानी 11 मार्च तक डिमांड्स फुलफिल नहीं होती, तो लेटर में कहा गया था साफ साफ कि एक तरह की धमकी थी कि कांग्रेस पूरे नेशन में एक साथ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर देगी। इरविन जो थे वाइसरॉय इरविन, उन्होंने पूरी तरह नेगोशिएट करने के लिए मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। तो महात्मा गांधी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च जो है वो चला दिया। तो ये मैंने टाइमलाइन है 12 मार्च 1930 टू 6 अप्रैल 1930, तो सॉल्ट मार्च उन्होंने स्टार्ट किया, उसमें 78 उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे जिन्होंने खुद आकर इनके साथ जुड़े महात्मा गांधी के साथ। मार्च जो था 240 माइल्स के अराउंड तक चला, इतना लंबा मार्च था। गांधी जी आश्रम से लेकर साबरमती में और गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक ही चला, लगभग 385 किलोमीटर की यह जर्नी थी। द वॉलंटियर्स वर्क फॉर 24 डेज, तो 24 दिन की एक ये काफी लंबी मार्च था। 10 माइल्स अ डे कवर करते थे वो लगभग। 1000 केम टू हियर महात्मा गांधी Wherever he stopped, तो जहां भी रेस्ट करने के लिए रुकते थे, बहुत सारे हजारों में लोग उनसे मिलने आते थे गांधी जी से, वो किस तरह से कैसे है, उनके क्या हालात, उनकी मदद करते थे, और गांधी जी ने उनको बताया कि स्वराज का क्या मतलब है, अपने अपने देश का होना, इंडिपेंडेंस का उन्होंने मीनिंग समझाया, उनको रिक्वेस्ट किया, अर्ज किया कि पीसफुली वो डिफाई करें ब्रिटिश को, पीसफुली हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में जुड़े, साथ में ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट चलाएं, लेकिन वो पीसफुली। 6 अप्रैल को वो पहुंच गए डांडी, ठीक है, देख लीजिए। 12 मार्च को चला था 1930 में, और 6 अप्रैल को ये खत्म हो गया, लगभग 24 डेज थे। एंड सेरेमनीली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, तो सेरेमनी के तौर पे गांधी जी ने वहां पर लॉ को वायलेट किया, इस लॉ को कि वो अब वो भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं सॉल्ट को, तो सी वाटर को उन्होंने वहां से, कोस्टल टाउन था वो डांडी, तो इसलिए सी वाटर उन्हें आसानी से मिल गया, और वहां से उन्होंने सी वाटर लेकर बॉइल करके उसको वायलेट कर दिया। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बिगनिंग हो चुकी थी। तो ये मूवमेंट डिफरेंट कैसे था नॉन कोऑपरेशन से, आगे हम ये देखेंगे।
ये अभी हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है? थैंक यू ऑल, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा।